नमस्कार आदाब सताल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज अप्रैल 2022 विद मी उम्मीद करता हूं आप इस चैनल पे डेली फॉलो कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स की क्लास को कल भी आपकी हुई थी बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मालूम नहीं था या उन्होंने देखी नहीं थी तो आपको बता दूं कल संडे था कल भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी तो जाकर उस सेशन को भी देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आ जाए और आप उस क्लास को मिस कर दो ठीक है तो फ्यूचर में भी आपकी संडे को भी क्लास हुआ करेगी ओके सो दिस इज फोर्थ ऑफ अप्रैल स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड गुड मॉर्निंग एवरी और uh, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारी इंफॉर्मेशन पी के लिए आपको पी डी पर मिलती हैं डेली करंट अफेयर्स की वहाँ पर आपको दो तरीके की पी मिलती हैं एक पी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और दूसरी पी आपको मैगजीन के फॉर्म में मिलती है जो कि आप प्रिंट आउट करा प्रिंट करा सकते हैं उसको वो ईज़िली आपके लिए पेजज़ वेजेस कम होते हैं उसमें और आप उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे प्रिंट करा कर तो नहीं तो उस फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते हैं अगर कंप्यूटर में जस्ट यू नीड टू टाइप दिस एंड आपको मेरा चैनल मिल जाएगा सर्च बॉक्स में डालेंगे तो टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा ये वाला और वहाँ पर अपडेट्स मिल जाती हैं आपको ओके okay, सो so अगर आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तलाश में हैं कि एक जी जगह पर आपको आ, सब कुछ मिल जाए तो वो नोटबुक सीरीज उसके लिए मैंने लॉन्च की है तो इस नोटबुक सीरीज़ को आप अवेल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोड यूज़ कर लेना स्टडी नहीं थी इस कोड को इस्तेमाल करके टेन डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस पर ठीक है तो आपको पूरा छः पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसी तरह इस पर मॉक टेस्ट भी हैं एनुअल मॉक टेस्ट हैं आप अगर टेस्ट लेने जा रहे हैं सोच रहे हैं तो हमारे टेस्ट से कोस्ट के हिसाब से इतने इफेक्टिव इतने बढ़िया लेवल के टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं इनके अगर दोनों को एक साथ खरीदना है या कोई आपने आ, अपनी तैयारी और करनी है रिकॉर्डिंग वगैरह के थ्रू या पूरी की पूरी, पूरी मतलब कोर्स देखना है तो वो ये वाला आपके लिए अवेलेबल है ये दोनों का कॉम्बो ये सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको सभी पहली न्यूज चलते हैं सेंटर ने एक्सटेंड किया आपका एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाय सिक्स मंथ्स अंटिल सितंबर 2022 सो सरकार की एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एफ उसको शॉर्ट में कहा गया है सो so, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसका जो टाइम पीरियड है इसको आगे आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है पहली बार बढ़ाया गया इससे पहले भी इसको बढ़ाया गया है और ये एक बार फिर से सिक्स मंथ्स इसको आगे एक्सटेंड किया गया है सो so, क्या चीज़ है डी जी एफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड ने एक बार फिर से यहाँ पर जो फॉरन ट्रेड पॉलिसी है उसको छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है टिल सेप्टेंबर थर्टी टू तो एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी इन एक्सटर्नल ट्रेड ठीक है सो so बेसिकली ये बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है ये फोर्स में तो 2015 में आई थी ठीक है और इसको पांच साल के लिए एप्लीकेबल होना था यानी कि 2020 मान के चलिए तो 2020 में आप सबको मालूम है आपका कोविड फर्स्ट आ गई थी लहर आ गई थी इस वजह से फिर इसको डेफर किया गया था ओके एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक फिर 2021 में आपको पता है आगे फिर से सेकेंड वेव आ गई थी तो फिर से इसको एक्सटेंड किया गया था और अभी फ़िलहाल इसको फिर से सिक्स मंथ्स के लिए सितंबर तीस तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है इस पूरी की पूरी पॉलिसी को अब ये पॉलिसी क्या है इसमें क्या चीज़ें हैं वो इतना जाना जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो नाम से ही समझ आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि फ़ॉरेन जो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो उससे जुड़ी हुई यहाँ पर यह पॉलिसी है एंड उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में ये सारा का सारा इसमें डिफाइन किया हुआ है उसी को यहाँ पर क्या किया गया था अब क्वेश्चन क्या बनेंगे क्वेश्चन यही बनेंगे कि ओरिजिनली कौन से ईयर से कौन से ईयर थी 2015 से 2020 थी कब एक्सटेंड किया गया था 2020 से 31 मार्च इक्कीस पर एक्सटेंड किया गया फिर यहाँ पर एक्सटेंड किया गया और अब जाकर इकतीस मार्च बाईस से, से फिर इसको छः महीने के लिए एक्सटेंड किया गया और इस बार सिक्स मंथ्स का एक्सटेंशन है पिछले सालों में एक एक साल का एक्सटेंशन मिल रहा है इस बार सिक्स का एक्सटेंशन है 30 तक का तो दिस इज़ सेंटर अगली, पे चलते हैं, अगली यहां पर फास्टर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी उसमें समझाई थी थिंक शायद आपने नहीं देखी होगी ये एक इनिशिएटिव uh, है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या होता है अभी आपके जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले सुनाए गए हैं कोई भी कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर फिजिकल मोड में या किसी और मोड़ में जाने में पुलिस स्टेशन या जो जेल होती है वहाँ पर जाने में थोड़ा समय लग जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो आ, जो प्रिजनर्स हैं जो यहाँ पर जेल में हैं उनको यहाँ पर जो छूट छूटने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता मतलब उन तक वो जेल में बोलते हैं कि भाई अभी तक आया नहीं आपका लेटर है ना रिहाई का जो है वो लेटर नहीं आया या आपकी सज़ा का नहीं आया कुछ भी इस तरह के जो भी ऑर्डर्स होते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता था इसीलिए अब इस सिस्टम को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है और ऑनलाइन के लिए उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसका नाम उन्होंने फास्टर रखा है दिस इज फास्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स क्या है पूरी पूरी डिटेल इसको देखते हैं ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना जी ने लॉन्च किया फास्टर पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है

नाम है इसको यहां पर बनाया गया है वॉर फुटिंग पे वॉर फुटिंग का मतलब होता है बड़ी युद्ध स्तर पर बहुत ही जल्दी जल्दी बाय द रजिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यहां पर रजिस्ट्री शब्द यूज किया हुआ है रजिस्ट्री कौन सा एक डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का दिस इज अ डिपार्टमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट दिस इज द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पूरा इसका कह सकते हैं रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट साथ में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है इस सिस्टम में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने के लिए उन्होंने 73 ऐसे ऑफिसर्स को बिठाया है मतलब 73 नोडल ऑफिसर्स यहाँ पर काम करेंगे जो कि यहाँ पर जो फैसले सुनाए गए उनको आगे पहुँचाया जाएगा एट वेरियस लेवल ऑल नोडल ऑफिसर्स ये कनेक्ट रहेंगे थ्रू अ स्पेसिफिक जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू यहां पर कनेक्ट रहेंगे बाय क्रिएटिंग अ सिक्योर्ड पाथवे ये जो बनाई गई है चीज फास्टर ये एक और लेवल पे अच्छी चीज है कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो काफी सिक्योर्ड रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो इनको इन सबको इस फास्टर जो नेटवर्क uh, है इससे कनेक्ट करने के लिए ये जीसीएन ये ओवरऑल जो नेटवर्क का नाम इन्होंने नाम तो नहीं दिया मतलब इसको आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क इसी के तहत ये फास्टर आता है एक उनको यहां पर एक वे बताया जाएगा एक uh, जो मोड है वो उनको समझाया जाएगा राइट ओके चलिए आगे चलते हैं हम अ टोटल ऑफ 187 ईमेल आईडीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर द सिस्टम

जाएंगे जो भी जजेस ने जो भी फैसले सुनाए हैं इस मीडियम के थ्रू एक बार न्यूज दोबारा देख लेते हैं उम्मीद करता वैसे समझ में आ गई होगी कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें सिंपल सी न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है नाम उसका रखा है, है फास्टर फास्टर का पूरा नाम क्या है फास्टर का पूरा नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये इसका पूरा पूरा यहां पर नाम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पर भी वो एग्जीक्यूशन करना है उस ऑर्डर का वहां तक पहुँचाया जाएगा उसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर टोटल सेवेंटी नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे यहाँ पर और टोटल वन एट एट सेवन ई मेल भी बनाई गई हैं जो अलग अलग लेवल पे यहाँ पर इस चीज़ के लिए यूज की जाएंगी पूरा पूरा एक सिक्योर्ड नेटवर्क पूरा एक प्राइवेसी ना ब्रीच हो उस अकॉर्डिंग ये नेटवर्क यहां पर डिजाइन किया गया है बनाया गया है डिजिटली साइन ऑर्डर यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हुआ करेंगे ठीक है ओके आगे आ, अगली न्यूज पे चलते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्चेस लोगो मैस्कट जर्सी एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी दो इन बेंगलुरु ठीक है तो यहां पर ये एक न्यूज आई है इस न्यूज में यहां पर क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 पहली चीज तो यहाँ 2021 हजार को लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि कोविड की वजह से गेम्स 2021 में नहीं हो पाए इसलिए इस साल हो रहे हैं ये यूनिवर्सिटी गेम्स है मल पूरे इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज आती हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और ये यहाँ पर खेलो इंडिया इस बार कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये हो रहा है कांति कंतेरवा कंतेरवा ठीक है कंतेरवा स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है ये आपका इस बार का सेकेंड एडिशन है फर्स्ट एडिशन यहां पर यह दूसरी बार यह आयोजित हुआ रहा है पहली बार यह आयोजित हुआ था ओडिशा में पहली बार आयोजित हुआ था ओडिशा में 2020 में आयोजित किया गया था और ये यहां पर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसी मौके पर यहां पर एक खेलो इंडिया खेलो इंडिया ऐप भी यहां पर बनाई गई है ऑन द गेम्स वर वल्सो लॉन्च बाय द कर्नाटका कर्नाटका के द्वारा इसको भी यहां पर लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा खेलो इंडिया ऐप को भी इसी मौके पर यहां पर लोगो भी लॉन्च किया लेजिस्लेटिव हाउस तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये आप देख सकते हैं ये कर्नाटका के विधानसभा जो है उसका एक यहां पर चित्र है और दोनों तरफ यहां पर एलिफेंट है अब दोनों तरफ एलिफेंट क्यों है इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलरली गेम का जो यहाँ पर मास्कोट है जो एक होता है, वो यहाँ पर एक एलिफेंट ही रखा गया है और उसका नाम है नमावीरा। ये नाम है आपका एलिफेंट का और इसके अलावा दो और मास्कोट है जो है एक जया जो कि ब्लैक बक है और विजय जो कि यहाँ पर एक टाइगर को रिप्रेजेंट करता है ये आप ब्लैक बक ये टाइगर और ये आप हाथी देख सकते हो ये तीनों के तीनों यहां पर आपके इसके मैस्कोट कह सकते हैं और जो मेन मैस्कोट है वो नमावीरा है जो नमावीरा ये एलिफेंट है ये इसका मेन मैस्कोट है और इसी मौके पर एक एंथम भी यहां पर रिलीज किया गया है गान कह लीजिए एक रिलीज किया गया है गाना रिलीज किया गया है इसी खेल इस खेल को लेकर और उसको गाया है चंदन शेट्ठी एंड निखिल जोशी के द्वारा और इसको लिखा इनके द्वारा है लिखा गया है चंदन शेट्टी के द्वारा और गाया है इन दोनों ने चंदन शेट्टी और निखिल जोशी ने इट right. तो ये आपकी इस पेज की न्यूज हुई अगले पेज पे चलते हैं फिर एक साथ दोबारा से रिवाइज करेंगे इस चीज को ये गेम्स में यहां पर एक और खास बात की गई है इस बार पहली बार योगासन मलखम नाम का जो आ, स्पोर्ट है उसको यहां पर शामिल किया गया है अलोंग विद 18 अदर स्पोर्ट्स तो यानी कि टोटल कितने स्पोर्ट्स हो गए ट्वेंटी ध्यान रखना एग्जाम में एटीन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एटीन नहीं है अट्ठारह ये है और एक और एक 18 प्लस दो बीस स्पोर्ट्स इस बार हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार यहां पर योगासन और मलखम को यहां पर इंक्लूड किया गया है योगासन तो आपने सुना होगा पता है योगासन क्या होता है मलखम हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो तो जस्ट एक बार मलखम यूट्यूब पर लिख देना तो आपको एक वीडियो दिख जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मलखम क्या होता है ठीक है एक पोल होता है उसके आसपास यहाँ पर पोल के ऊपर यहाँ पर कर, एक प्रकार से एक्सरसाइज टाइप या कह लीजिए कर्तव कुछ दिखाए जाते हैं उस चीज को मलखम कहते हैं हो सकता है आप इमेजिन कर रहे हो मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूँ द खेलो इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी 2020 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में हुए थे जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहां पर जीता था इसको एंड सवित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी ने यहां पर सेकंड स्थान हासिल किया था इस साल यहां पर टोटल 4500 एथलीट्स यहां पर अलग अलग जगहों से अलग अलग यूनिवर्सिटी से इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं ठीक है तो ये पूरी पूरी न्यूज दोबारा से अच्छे से देख लेते हैं क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यहां पर आपका एंड ये आपके हैं कहां पर आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु के कांतेरवा स्टेडियम कांतेरवा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है पहली चीज तो ये पहला क्वेश्चन ये कौन से एडिशन है दूसरा एडिशन है 2020 का 2021 का ये एडिशन है 2020 में कहा किया गया था 2020 में यहाँ पर ओडिशा में किया गया था अब यहाँ पर ये यह सेकेंड एडिशन इसमें अब क्या क्या किया गया है एक तो इनके द्वारा यहाँ पर एक लोगो दिया गया है लोगो मैंने आपको दिखाया जिसमें विधानसभा की पिक्चर है और दो हाथी बने हुए हैं इस तरह का लोगो है दूसरा यहाँ पर टी शर्ट्स भी यहाँ पर रिलीज की गई हैं आपके पिक्चर्स ये टी शर्ट्स भी आई हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक मेस्कोट आए हैं एक हाथी है ब्लैक बक है एंड टाइगर है हाथी का नाम है वीरा टाइगर का नाम है यहाँ पर आपका विज विजय का नाम है यहां पर आपका जिया ये तीनों यहां पर इसके येट हैं ये तीनों के तीनों इस गेम के एंथम यहाँ पर रिलीज किया गया एंथम यहाँ पर जो गाया है वो चंदन शेठी एंड द निखिल जोशी के द्वारा इन दोनों के द्वारा इस एंथम को गाया गया है और कंपोज किया है इसको चंदन शेठी ने ठीक है तो ये यहाँ पर इसके अलावा एक ऐप भी रिलीज की गई है ठीक है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सा आपके हो गए टोटल कितने खिलाड़ी आएंगे पैंतालीसों खिलाड़ी आएंगे इसमें और लास्ट ईयर जो था लास्ट ईयर इस गेम को जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने और यहाँ पर सेकंड रनर रही थी सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी तो ये दोनों यूनिवर्सिटी यहाँ पर टॉप दो में रही थी और ये आपका ओडिशा में गेम्स आपकी आयोजित की गई थी और पहली बार इसमें योगासन एंड मलखम को शामिल किया जा रहा है टोटल स्पोर्ट्स इवेंट जो इसमें होंगे टोटल 20 ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट आपके आयोजित किए जाएंगे ठीक है आई होप ये चीज आपके माइंड में फिट होगी होगी आपको अब याद रहेगी लंबे समय तक ठीक है चलो आगे चलते हैं हम आप मेल ड्रॉप कर दो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कल संडे था तो इसलिए मेल के रिप्लाई नहीं आए होंगे आज हो जाएगा एक्टिव डोंट वरी ठीक है एक बार फिर से मेल रिपीट कर दो आज दोपहर या शाम तक आपका एक्टिव हो जाएगा ठीक है रीसेंट न्यूज़ है बेंगलुरु से रिलेटेड यहाँ पर बेंगलुरु में कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हाल ही में लॉन्च किया गया इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम यहां पर लॉन्च किया गया बेंगलुरु में हाल ही में और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इंडिया का पहला एवी जी सी सेंटर सेम ही हो गया ना नहीं अच्छा एवीसी जी सी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी यहां पर बेंगलुरु में ही हाल ही में किया गया था तो ये आपकी रिसेंटली बेंगलुरु से जो न्यूज आती है बेंगलुरु से कनेक्टिंग न्यूज ठीक है इसके अलावा बेंगलुरु में हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी यहां पर बनाया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया हब इन बेंगलुरु में तो ये पांच न्यूज अभी रिसेंटली बेंगलुरु से जुड़ी हुई आपकी आती हुई और कर्नाटका के नीचे स्टेटिक फैक्ट हो गया अगली न्यूज है असम और मेघालय ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू रिजोल्व अ इश्यू इन सिक्स डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपका आ, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यहाँ पर आपकी एक कह सकते हैं काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया माना गया है ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों माना गया है क्योंकि जब असम मेघालय या फिर आपके अलग अलग या जब आपके हुए थे क्रिएट तब यहाँ पर ऐसी कोई कॉमन एरियाज थे जो कि असम कहता था हमारे पास होने चाहिए मेघालय कहता था हमारे पास होने चाहिए तो इसी वजह से अभी तक वो डिस्प्यूट चला आ रहा था और अब जाकर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कवायद शुरू हो गई है या फिर ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया गया है सो तो यहां पर आपका चीफ मिनिस्टर दोनों प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ़ कौनराज सांगवा इन दोनों ने यहाँ पर मुलाकात की वहाँ पर अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर मौजूद थे एक एग्रीमेंट साइन किया कि यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है बारह जगहों पर आपका चल रहा है जिसमें से छः जगहों पर जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दिया गया है और दोनों देश दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा है वो इतने किलोमीटर लगती है ठीक है इतने किलोमीटर लगती है इस डे को हिस्टोरिक डे कहा गया है क्योंकि ये तकरीबन 50 साल हो गए इस इशू को चलते हुए और ये तब का इशू है 1972 की बात है जब यहाँ पर अलग हुआ था मेघालय असम द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इस फर्स्ट फेज सेटलमेंट जो पहला फेज हुआ है सेटलमेंट का कि छह जो जगह छह जग, प्लेसेस हैं उनको किस तरह से बांटा गया उसमें से पहले फेज में

बेस uh, रहा वो किन बेसिस पर हुआ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव कि जो हिस्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे रहे थे स्टेट लोकल पॉपुलेशन किस तरह की है मतलब कि वो असम के साथ असम के ट्रेडिशंस हैं मेघालय के ट्रेडिशंस हैं उस तरह से कंटिन्यूटी विद दी कंटिन्यूटी विद द बाउंड्री बाउंड्री के कितने नजदीक किस तरह से यहाँ पर सेटिंग हो सकती है बाउंड्री के साथ लोगों की इच्छा वहाँ के लोकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ईजिली हो सकता है कहाँ पर कन्वीनियंट है कि वहां पर आपका ईजली जो लोकल लेवल पे बॉडीज हैं वो बनाई जा सकती हैं तो ये सारी के सारी मुद्दे थे जिनके ऊपर पांच ऐसे मुद्दे थे जिनके बेस पर ये छह जगहों का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है ठीक है अब इस पूरे के पूरे एरिया में जो 36.79 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया था इन छह जगहों का इनमें से यहाँ पर 18.51 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो यहां पर असम को दे दिया गया है और मेघालय को बाकी 18.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आपका मेघालय को दे दिया गया है ये थोड़ी सी बाइफरकेशन है आपकी इन रीजंस की ये छह रीजंस हैं और इनके अलग अलग यहां पर स्क्वायर किलोमीटर है यहां पर लिखे हुए हैं असम को कौन कौन सा रीजन किस किस के अकॉर्डिंग मिला है ये उसमें लिखा होगा असम का भी लिखा होगा मेघालय का तराबारी एक, एक एरिया है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर मेघालय को गया है बाकी जितने एरिया है उनका कुछ हिस्सा असम को कुछ हिस्सा मेघालय को यहाँ पर इस तरह से बाइफरकेट किया गया है ठीक है ये आपके असम के और इन असम के जो छह रीजन हैं ये इन इन डिस्ट्रिक्ट में यहां पर आते हैं ये पूरा का पूरा चार्ट है चार्ट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे इनके स्क्वायर किलोमीटर याद करने बैठो देर इज नो सच नीड बट यहाँ पर इस चार्ट से सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खास क्वेश्चन मुझे आ, समझ में आता है जो कि एग्जामिनर अगर आ, पूछ सकता है तो ये पूरा के पूरे स्लाइड में से नहीं पूछ सकता मतलब पूछ सकता है इसमें से भी एक सोचेगा ना कि ये तो सबको ही पता है है ना वो वाला फंडा अगर वो अपनाता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रीजन था जो कि इकलौता ऐसा रीजन कौन सा था उन छह रीजन में से जो सारा का सारा एरिया जो है मेघालय को दे दिया गया है राइट आंसर तराबरी रीजन रहेगा और जिसका एरिया कितना है किलोमीटर तो ठीक है तो ये चीज अच्छे से याद रख लेगा अलोंग विद एरिया बाकी सारे के सारे आपको एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ ओवरऑल जरूर याद रखना है ओवरऑल अब एक बार फिर से मैं बता देता हूं इस न्यूज को इस न्यूज में क्या है इस न्यूज में सिंपल सी बात यह है 1971 एक्ट के तहत यहां यहां पर पर असम असम मेघालय का एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था था अलग से बना उस वक्त यहां पर, पर टोटल 12 ऐसे एरियाज थे जो कि असम कह रहा था हमारे पास होने चाहिए मेघालय कह रहा है हमारे पास होने चाहिए और यह तकरीबन पांच दशकों से यानी पचास सालों से यह मुद्दा गरमाया हुआ है अब जहां कर यहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और जिसमें यहां पर आपके दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर असम के हेमंत बिश्वा शर्मा और मेघालय के कॉनरड संगमा इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनली इन दोनों ने पांच ऐसे बेस बनाए जिनके बेस पर यहां पर इन्होंने 12 में से 6 जो एरियाज हैं उनको आपस में बैठकर एक एग्रीमेंट किया गया उनके एरिया को बांटा गया इस पूरे के पूरे एरिया की जो यहां पर एक एरिया वाइज कह लीजिए तो वो थी 36.79 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया का यहां पर पैमाना था जिसमें से एटीन पॉइंट समथिंग और एटीन पॉइंट समथिंग यहाँ पर गया है मेघालय और असम को और इनमें से यहां पर छ एरियाज में से एक ऐसा एरिया है जिसका नाम है त्राबरी ये इकलौता ऐसा एरिया बना है जो कि एक्सक्लूसिव मेघालय को दिया गया है बाकी एरियाज में से कुछ ना कुछ हिस्सा असम को और कुछ ना कुछ हिस्सा मेघालय को गया है ओके तो ये आपकी पूरी पूरी न्यूज़ थी उम्मीद करता हूं ये न्यूज आप समझ में आ गई होगी और आपके दिमाग में फिट भी हो गई होगी चलिए ये एक बार देख लो 18.51 था और उधर 18.28 था ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं इनको याद करने की आपकी बहुत ही जरूरी पॉइंट है और याद करना पड़ेगा आपको चलो अगली न्यूज से पहले मेघालय के रिसेंटली फैक्ट यहां पर एमएसएमई सिडबी के साथ यहां पर एग्रीमेंट एक साइन किया है मेघालय ने और जिंग किंग और लिविंग रूट ब्रिज जो है ये यहाँ पर अभी हाल ही में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को की असम में यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर अफ्सपा को यहाँ पर आपका किया गया था आगे एक्सटेंशन और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में इंडिया की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फेरी सर्विस के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर पे यहाँ पर आपकी लॉन्च भी की थी अगली न्यूज यहां पर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर है ये यह यहां पर सबसे गर्म स्थान बना है तीसरे नंबर का सबसे गर्म स्थान बना है पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है दोरादो वेदर वेबसाइट अल दोरादो वेदर वेबसाइट यहां पर कहती है कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में यहां पर माली का कायस सिटी जो है वो सबसे गर्म इलाका है ऑन अर्थ 44.4 डिग्री सेल्सियस सिगो ऑफ माली जो दूसरे स्थान पर आता है और चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का है ये यहाँ पर तीसरे स्थान पर आया है इतने डिग्री सेल्सियस तापमान के अनुसार और अगर मैं रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर नागपुर की बात करूँ तो इनके अनुसार यहाँ पर अभी जो आ, इसके बाद जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपका अकोला नाम की जगह है जहां पर इसके बाद का टेम्परेचर यहां पर अंका किया है तो ये आपका हाँ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से जो हुई खबर आती हुई कुछ दिन पहले यहां पर कुवैत से भी जुड़ी हुई खबर आई थी कि कुवैत दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस बना है 53 शायद कुछ प्लस 53.2 था शायद उसमें टेम्परेचर तो उसको यहाँ पर अब वो रिपोर्ट अलग थी अब ये रिपोर्ट उन्होंने कुवैत क्यों नहीं लिया या सिटी का या इन्होंने पर्टिकुलरली एक प्लेस का आंका गया होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो ये एक रिपोर्ट है नाम है एल वेदर वेबसाइट इसके अनुसार चंद्रपुर महाराष्ट्र का तीसरे स्थान पर पहले और दूसरे स्थान को भी याद कर लीजिएगा ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं हम रीसेंट न्यूज महाराष्ट्र से जुड़ी हाल ही में हमने कल ही न्यूज पढ़ी थी प्रिजनर्स को पचास हजार रुपए की पर्सनल लोन दिया जाएगा है ना वहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर राजेश टोपे ने हाल ही में होप एक्सप्रेस भी शुरू की है वहाँ पर महाराष्ट्र में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में एक स्टैचू मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुणे महाराष्ट्र में भी यहाँ पर अनवील किया था और यहाँ पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी इनग्रेट किया था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अगली न्यूज यहां पर मणिपुर गवर्नमेंट से आई है मणिपुर गवर्नमेंट ने यहां पर सैमसंग के साथ टाइप किया है जिसके तहत स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को यहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा तो यहां पर स्पोर्ट्स को डिजिटल ल, ल, के डिजिटल मोड में लेकर आने के लिए यहां पर आपका मणिपुर गवर्नमेंट ने एक एमओ साइन किया है किसके साथ सैमसंग के साथ यहां पर एज वेल एज दी अभी तक आई टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जिसके तहत स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर यहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा एज अ डोमेन ऑफ मणिपुर ओलंपियन पार्क एंड खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओके सो यहां पर आपका यह किया जाएगा मणिपुर ओलंपियन पार्क एंड द खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां पर आपका सैमसंग के द्वारा मिलकर अभी टेक आई टी सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ मिलकर यहां पर आपका किया जाएगा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यहां पर मिपुर ओलंपियन पार्क सो दैट यंग जनरेशन एम्प्लॉयर्स उनको डिजिटली डिस्प्ले किया जाएगा ताकि लोगों में लोगों को उनके अचीवमेंट के बारे में यहां पर पता चले तो यहां पर क्या किया गया मणिपुर ने सैमसंग डाटा सिस्टम और अभी तक इन दोनों के साथ मिलकर यहां पर एक ओलंपियन पार्क बनाने की बात की है जिसको वो सौ दिन में कंप्लीट कर लेंगे और इस ओलंपियन पार्क में क्या किया जाएगा इस ओलंपियन पार्क में यहाँ पर जो भी ओलंपिक्स में जिन्होंने भी एक अचीव किया है कुछ ना कुछ खासकर मणिपुर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपका डिजिटल फॉर्म में सब चीज़ें बताई जाएंगी ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो सकें और उनमें आपकी एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो सके कि यहाँ पर इस तरह से इन्होंने इतनी अचीवमेंट किया हम भी इस तरह से कर सकते हैं उनको एक फील आना चाहिए स्पोर्ट्स के मुद्दे नजर रखते हुए यहाँ पर एक डिजिटल लेवल पे स्पोर्ट्स डिस्प्ले किया जाएगा यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को डिस्प्ले किया जाएगा ये किया है आपका मणिपुर ने सैमसंग एंड दभिटेक के साथ मिलकर इन दोनों कंपनी के साथ मिलकर ये यहाँ पर ओलंपियन पार्क बनाया जाएगा यही पूरी की पूरी आपकी न्यूज है अगली न्यूज पे चलते हैं यहाँ पर अगली न्यूज पे न्यूज चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में एनबीरेन सिंह जी आए थे और हाल ही में वहां पर कच्चाई लेमन फेस्टिवल यहाँ पर एक ऑब्जर्व किया गया था नेक्स्ट न्यूज है ये नेक्स्ट न्यूज है खैर बीच में पिक्चर नहीं लगी लीडिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया भी हाल ही में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जहां पर वेजिटेबल प्रोड्यूस होती हैं वो बना है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा फ्रूट कहां प्रोड्यूस होते हैं आंध्र प्रदेश में ठीक है तो उत्तर प्रदेश जिसमें 29.5 टन मेट्रिक टन यहां पर आपका प्रोड्यूस हुआ है एंड वेस्ट बंगाल में आपका और मध्य प्रदेश में खैर टॉप वाले का इतना याद रख लेना और ये टॉप वाले का इतना बाकी नाम तीनों याद रख लेना वन टू थ्री ठीक है तो ये आपका हुआ है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड फ्रूट प्रोडक्शन के फील्ड में ये आपका एक डाटा आता हुआ ठीक है ओके okay, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन सो ये थोड़ी सी आ, अलग सी रिपोर्ट है यहाँ पर आपकी देखने को मिली है जो सीइंग द अनसीन सीइंग द अनसीन का मतलब ये है कि जिसको अभी आपने देखा नहीं है यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी गर्भ में हैं, जो अभी प्रेग्नेंट हैं औरतें उनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट आई है चलिए देखते हैं क्या रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक एनुअल रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन। इसमें यह कहा गया है आपका कि तकरीबन ऐसी पूरी दुनिया में आधी ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जो कि अनइंटेंडेड होती हैं अनइंटेंडेड होती हैं यहाँ पर आपकी आधी तकरीबन 121 मिलियन एनुअली ये डाटा है बहुत ही एक चुकाने वाला डाटा दा, है इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी दैट अकर एवरी ईयर इज अराउंड 121 मिलियन और तीन लाख इकतीस हजार पर डे ऑन एन एवरेज पूरे दुनिया में द रिसेंट डाटा शोज दैट रेट ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हैज डिक्रीड बिटवीन डिक्रीज हुई है खैर 1990 से अब तक ये 2019 में जो कि यहां पर प्रत्येक हज़ार महिलाओं में सेवेंटी नाइन हुआ करती थी अब सिक्सटी फोर यानी सिक्सटी फोर प्रत्येक हज़ार में से जिनकी एज फिफ्टीन से फोर्टी नाइन है इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ दी अन इंटेंडेड प्रेगनेंसी एंड इन एबोर्शन आपका एबोर्शन करा देते हैं सिक्सटी परसेंट से ज्यादा जो भी अन इंटेंडेड होती है जो मतलब इच्छा के अनुसार नहीं है आपके अन इंटेंडेड का मतलब ये है Uh, 60% यहां पर अबॉर्शन करा दिए जाते हैं ग्लोबली 257 मिलियन महिलाएं हु वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसी आर नॉट यूजिंग सेफ एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इन 47 कंट्रीज अराउंड 40% ऑफ सेक्सुअली एक्टिव वीमेन आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी एक डाटा है यहाँ पर ओनली अराउंड 57% ऑफ वीमेन आर एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग देयर सेक्सुअल एंड राइट्स। ओके केवल और केवल सत्तावन प्रतिशत महिलाओं के पास ही ये यह यहां पर राइट है कि वो खुद यहां पर कुछ ना कुछ अपने खुद के डिसीजन ले सके बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है ना बहुत अजीब सी रिपोर्ट है काफी लोगों को आप में से रिपोर्ट पढ़कर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम ऑब्वियस है खैर लेकिन जो है सो है आपको आपके लिए रिपोर्ट पढ़नी चाहिए वही कहते है हैं ना एजुकेशन अवेयरनेस हर एक चीज की होनी चाहिए और ये रिपोर्ट भी आपके पढ़नी चाहिए कि आखिरकार इस रिपोर्ट में किया क्या गया है कहा क्या गया है एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नॉट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट अ जनरल पब्लिक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिकली ओपनली सामने आनी चाहिए ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके हमें पता तो चल सके आखिरकार ये जो होता है किस लिए होता है और यह जो होता है जो कि नहीं होना चाहिए यह क्यों होता है ठीक है तो यह रिपोर्ट किसने दी है यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन इन्होंने यह रिपोर्ट किसने दी है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिपोर्ट दी है प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है जो अपनी इच्छा के अनुसार उन प्रेग्नेंट नहीं होती है उनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट है और यह कहा गया है तकरीबन 121 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो कि यहां पर अन इंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है एंड यहाँ पर उनकी संख्या जो है एवरी थाउजेंड में सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर एवरी थाउजेंड में जो कि बहुत बड़ा नंबर है छोटा नंबर नहीं है ये और सिक्सटी परसेंट इनमें से अबोर्ट करवा लेते हैं बच्चे को एंड टू फिफ्टी सेवन मिलियन जो कि अवॉइड करती है प्रेगनेंसी किसी भी तरह के सेफ या मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रही हैं एंड 47 कंट्रीज में अराउंड 40 परसेंट ऐसी हैं जो कि यहां पर यूज नहीं करती हैं कॉन्ट्रासेप्ट और 57 महिलाओं के तो बात ही मत पूछिए उनके डिसीजन के अगेंस्ट ये सब किया जाता है ठीक है चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं डॉक्टर एस राजू ने यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नाम है इनका डॉक्टर एस राजू इन्होंने जगह ली है आर एस घरकल की हु सुपर एनुएटेड ऑन मार्च इकतीस डॉक्टर राजू बज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टरेट यहाँ पर इसी uh, में जी एस आई हेडक्वार्टर में रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट में अब ये हेड बन गए हैं डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डॉक्टर एस राजू इनका नाम है जगह लेंगे आर एस घरकल की आ, अभी रिसेंटली यहाँ पर जियोलॉजिकल पहला जियोलॉजिकल पार्क इंडिया का लमहेता जबलपुर में किया गया था था हमने पढ़ा भी था इसको न्यूज को इंडिया ने, इंडिया ने ऑफिशियली इंडियन ऑफिशियल अपराजिता शर्मा को यहां पर चुना गया है वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटीयू आईटीयू आई यहां पर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल ये यहां पर काउंसिल जो है इसकी यहां पर स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका यहां पर कार्यभार या फिर कह लीजिए वाइस चेयरपर्सन बनाई गई है यहां पर आपकी अपराजिता शर्मा इनको वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है इसका अभी हाल ही में काउंसिल का एक सेशन हुआ था जनेवा में वहां पर इनको बनाया गया और फिर आगे भी यहां पर वाइस चेयरपर्सन दो हजार एंड 2024 के सेशन की रहेंगी और उसके बाद 2025 और 2026 के सेशन में ये चेयरपर्सन भी बन जाएंगी तो नाम है अपराजिता शर्मा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसकी यहां पर वाइस चेयरपर्सन बनी है उनकी स्टैंडिंग कमेटी की वाइस चेयरपर्सन बनी है प्राजिता शर्मा अगले दो सालों के लिए 2022 में तो है ही हजार 2023 और 2024 के लिए और 2025 और 2026 के लिए यहां पर ये चेयरपर्सन बनाई गई हैं ठीक है ये यूनाइटेड जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आखिरकार काम क्या करती है ये एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है जिसका काम है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैटर्स को समझना या फिर लीजिए एक, एक एसोसिएशन है एक यूनियन है इन सब की जितने भी हमारी कंपनीज हैं टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से, से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सत्रह मई अठारह को पैंसठ पर ये परिश किया गया था जो कि सबसे पुरानी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी मानी जाती है यूनाइटेड नेशन के अंडर ये सबसे पुरानी एजेंसी है हेडक्वार्टर जिनेवा में है इसके हेड जो हैं यूनेस्को के तहत यहां पर ये काम करता है ठीक है ठीक तो अपराजिता शर्मा रिसेंट न्यूज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन से इन्होंने हाल ही में एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने इस यूनियन के साथ यहां पर और इसके अलावा कनाडा यूएस एंड यूरोपियन ने यूनियन ने यहां पर आपका टू रिमूव द की रशियन बैंक्स फ्रॉम द इंटरबैंक बैंक मैसेंजिंग स्विफ्ट से दिस वेरी बिग स्टेप दैट विल कट ऑफ कंट्री फ्रॉम मच ऑफ द वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये भी इसी के अंडर ही आता है स्विफ्ट जो मैसेज है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर ही आता है तो इस यूनियन के तहत ही यहां पर रशिया को भी यहां पर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटा दिया गया था ये भी आपकी काफ़ी चर्चा में रही थी ये न्यूज अगली न्यूज महेश वर्मा चेयरपर्सन बने हैं एन ए बी एच के एन ए बी एच यहां पर नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यहां पर आपका काम करता है फॉर सेटिंग दी बेंचमार्क्स फॉर क्वालिटी एंड सर्टिफाइंग हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल्स किस तरह के स्टैंडर्ड के होने चाहिए किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए ये सब यहाँ पर डिसाइड करता है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स इसी के तहत यहाँ पर ये आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कहाँ पर काम करता है अंडर काम करता है और उसी के यहाँ पर चेयरपर्सन बनाए गए हैं नाम है महेश वर्मा जो कि फिलहाल वाइस चांसलर थे इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं और अब इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं और ये आपका मेंबर भी है एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर का एन फिलहाल यहाँ पर वहाँ पर वाइस चांसलर भी हैं प्रोफेसर भी हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डिसबिलिटी एंड ओरल हेल्थ के एंड द इंडियन अकेडमी ऑफ रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के ही इज ऑल्सो प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च इंडिया डिविजन एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटल रिसर्च ओके डेंटिस्ट होंगे तभी यहाँ पर इतने सारी डेंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ये मेम्बर हैं अध्यक्ष हैं या कुछ उन्होंने पार्ट किया हुआ है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एक फैकल्टी है प्रोफेसर हैं एज वेल एज दाइस चांसलर हैं आपके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में और ये अब बनाए गए हैं एन ए बी एच के यहाँ पर आपके चेयरपर्सन आपके जो काम करेगा एक क्वालिटी और सर्टिफाई करता हॉस्पिटल्स को हेल्थ फैसिलिटीज को अपॉइंटमेंट रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं अभी अभी हमने कुछ दिन पहले की अपॉइंटमेंट्स जो पड़ी हैं वो सारी एक साथ चार की लिखी हुई हैं यहाँ पर आपके सामने दुनिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेड इट्स मेड इन वॉयज इन चाइना ओके सो यहाँ पर आपका आ, पहली बार इन्होंने दुनिया का सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है इसने यहाँ पर पहली बार अपना एक मूवमेंट किया है एक वॉइस मतलब कि एक सफर पूरा का पूरा किया है उन्होंने अपना द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है सबसे इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाली क्रूज शिप जो आपके घुमाने के लिए यूज की जाती है वहां पर लोग अंदर रहते भी हैं तीन चार दिन का पूरा सफर होता है समुद्र में सो इन द वर्ल्ड हैज रिटर्न बैक टू द पोर्ट इन यीचेंग इन सेंट्रल हुबेई प्रोविंस चाइना ये यहां पर वापस आ चुका है पूरा अपना काम पूरा अपनी सफर को तय करके रिवर में यहाँ पर था द्रूज शिप है कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी द नंबर वन बैटरी मैन्युफेक्चर फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इन वर्ल्ड पूरी दुनिया में नंबर वन जो इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाता है वही कंपनी जो है नाम है कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी टेम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा इस इलेक्ट्रिक क्रूज की भी यहाँ पर बैटरी सप्लाई की गई है जिनकी पावर दी 7500 किलोवाट प्रति आवर इस डेवलपर है शिप के चाइना के यांगसी पावर इन्होंने इसको बनाया है इस टू यूज दिस इलेक्ट्रिक शिप एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्सपेंडिंग द मरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन चाइना ओके सो मरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए इस शिप का नाम ंगजे रिवर थ्री गोर्जेस वन है एंड इट इज हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रूजशिप दैट है लॉन्ग एंड हैज कैपेसिटी टू कैरी तेरह सो पैसेंजर्स को ले जाने की इसकी कैपेसिटी है ओके okay, तो सिंपल uh, सी न्यूज पहली चीज तो इसमें याद रख लेना इसका नाम क्या है दुनिया की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूजशिप है घुमाने के लिए जो यूज की जाती है क्रूजशिप जिसमें लोग रहते हैं घूमते हैं आते हैं जाते हैं आते जाते हैं। एक बार समुद्र में चले आते हैं उसी के अंदर ही आप तीन चार दिन रहेंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे चलेंगे आएंगे वहाँ घूम लेंगे और फिर वापस आपको छोड़ देंगे तो दैट इज ए क्रूज शिप इंडिया में भी है आपको याद होगा आर्यन खान वाला केस जिसमें कोडेला नाम की एक क्रूज शिप होती थी जिसमें आर्यन खान को पकड़ा गया था ठीक है आ, और वो कोडेला शिप जो मुंबई से गोवा के बीच में और भी काफ़ी जगह आप चलने लगी है तो वो दैट इज अल्सो क्रूज तो इसी तरह का इलेक्ट्रिक क्रूज है ये सात हजार पाँच सौ पावर की बैटरी के साथ चलता है बैटरी बनाई है एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी ने जिस कंपनी ने इस शिप को बनाया उसका नाम है चाइना का यंगजे पावर और यंगजे रिवर थ्री गोर्जे वन इस शिप इस शिप का नाम है आपका चाइना ने हाल ही में अपना एक स्प्रिंग फेस्टिवल ऑब्जर्व किया और चाइना के सीनियर डिप्लोमेट जैंग मिंग यहाँ पर हाल ही में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने चार्ज भी संभाला था चाइना ने सेकंड लॉन्ग मार्च एट रॉकेट अपना लॉन्च किया है हाल ही में और चाइना ने अब पांच साल का एक रोड मैप बनाया जिसके तहत वो यहां पर ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब बन जाएगा 2025 तक नेक्स्ट एट्टी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 यहां पर मेघालय में आयोजित होगी एट्टी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर होने वाली है यहां पर साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर शिलोंग में है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में यह दूसरी बार है नॉर्थ ईस्ट में यहां पर आपकी ये होस्ट हो रही है वर्ल्ड एक नेशनल लेवल टेबल टेनिस चैंपियनशिप यहां पर एंड टूर्नामेंट इज होस्टेड इन ऑनर ऑफ़ द स्टेट एनिवर्सरी है यहाँ पर स्टेट को 50 साल हो चुके हैं बने हुए और ये यहाँ पर डेढ़ करोड़ इसके खर्चा आएगा जिसमें से यहाँ पर टोटल ऑफ 10 प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर स्टेट से यहाँ पर आएंगे ओके विद द टोटल टेन प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट शेड्यूल टू कम्पीट ओके सो ये मेघालय में आपकी आयोजित होगी एट्टी थर्ड नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप यहाँ पर लिखा है होस्टेड वर्ल्ड टाइम टाइम नॉर्थ ईस्ट तो पहली बार कौन था जरा गूगल करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू मेघालय ये रही रिसेंट न्यूज पहले भी आई थी दोबारा से आ चुकी है ठीक है आ, चलो अगली न्यूज है एडिडास के द्वारा एक बोल को यहाँ पर अनवील किया गया है ये बोल को कहा गया है नाम दिया गया अल रिहला अल रिहला ये बोल का नाम है और ये यूज की जाएगी किसमें फीफा वर्ल्ड कप में यूज़ की जाएगी फ़ीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में नवंबर में होने वाला है इसमें यहां पर यूज़ की जाएगी एज अ बोल ये बोल का यहां पर दिखने में कुछ ऐसी है एडिडास के द्वारा कंटिन्यूसली पिछले चौदह सालों से चौदह साल नहीं होंगे चौदहवीं बार कंटिन्यूसली जितना भी वर्ल्ड कप हुए हैं पिछले चौदह वर्ल्ड कप में एडिडास के द्वारा ही बोल को डिज़ाइन किया जा रहा है और ये इस तरह की बोल होती है काफ़ी हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है इट इज़ फास्टर इन फ्लाइट एनी अदर वर्ल्ड कप बोल ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट बोल मानी जा रही है और अल रहिला का मतलब होता है जर्नी इन अरेबिक द जर्नी इन अरेबिक इसको कहा जाता है इस बोल का नाम रखा गया है यहाँ पर और अल रहिला इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप बोल इन द 92 टू ईयर हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट विच विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रेजिंग फंडिटिवली इम्पैक्ट लाइफ अक्रॉस दर्ल्ड विद वन परसेंट ऑफ अल रही सेल गोइंग टू कॉमन गोल मोमेंट ओके सो यहाँ पर आपका अल अलहीला उसका पूरा ऑफिशियल नेम है उस बॉल का जो कि फ़ीफा वर्ल्ड कप में यूज़ की जाएगी किसने बनाया है एडिडास ने बनाया है ये याद रख लेना नवंबर में हो रहे हैं ये इवेंट अब तक की ये फास्टेस्ट गेंद मानी जा रही है और ये चौदहवीं बार कंटीन्यूसली यहाँ पर जो है एडिडास फीफा की फुटबॉल की वर्ल्ड कप की जो बॉल्स हैं उनको बना रहा है चौदहवीं बार कंटीन्यूसली इसका मतलब है जर्नी अरेबिक में इसको जर्नी कहा जाता है एज वेल एज़ ये यहाँ पर आपका पहली बार हुआ है पिछले 92 टू ईयर की हिस्ट्री में जो फीफा वर्ल्ड कप की 92 टू हिस्ट्री ईयर से यहां पर चला आ रहा है दैट जो भी इसकी सेल होगी जो भी अल रिहला से सेल होगी लोग भी खरीदेंगे ऑब्वियस है जो भी होगा उस फंड्स को यूज किया जाएगा आपका किसी ना किसी अच्छे काम के लिए ठीक है ओके ये आपके रिसेंट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे दो अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर सेकेंड अप्रैल बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल आई बी बी वाइज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर अ लव ऑफ रीडिंग एंड टू कॉल अटेंशन टू चिल्ड्रन बुक ओके बच्चों की किताबों के लिए यहाँ पर मनाया जाता है ये बेसिकली इसलिए चुना गया था क्योंकि एक चिल्ड्रन बुक के ऑथर थे हैंस क्रिस्टीन एंडरसन इनका इस दिन बर्थडे होता है और इसीलिए यहाँ पर इनको चुना गया था इस दिन को एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे के फॉर्म में एंड इस बार यहाँ पर कनाडा इस इवेंट को होस्ट कर रहा है और थीम है इस बार की स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे इस हर एक वर्ष यहाँ पर जब ऑब्जर्व करता है तो एक कंट्री इसको यहाँ पर होस्ट करती है इस बार यहाँ पर कैनेडा इसको होस्ट कर रहा है और आई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे पूरे इवेंट को एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करती है

एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है इस बार इसकी थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये इसकी इस बार की थीम है वर्ल्ड ऑटिज्म ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर समीरा अलसद लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है तो ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हुआ इसके बारे में आराम से थीम याद रख लीजिएगा डे याद रख लीजिएगा चलिए आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो सेशन आपको पसंद आया होगा एंड uh, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विज कुछ खास यूनिक क्विज जो कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आए हैं नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका अंडर हुज वॉच दिस श्रीलंकन इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज आफ्टर हिज पोल विक्ट्री इन 1977 श्रीलंका की इकोनॉमी इस टाइम इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ के लोगों को कुछ भी मिल नहीं रहा खाने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा हालत बहुत ख़राब है बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है तो उससे जुड़े हुए आर्टिकल आये न आए दिन अखबार में देखने को मिलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सारा आर्टिकल आया है इतना बड़ा आर्टिकल आया है हिंदू में कल की आ, कल की परसों की हिंदू में आया है यहाँ पर आपका तीन तीन तरीक की तीन तो कल ही देना नहीं तीन नहीं दो में आया है तो ये दो तरीके आर्टिकल में आपने ये पढ़ा होगा हिंदू में ये पूरा पूरा आर्टिकल इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ श्रीलंका के सिचुएशन को यहाँ पर आपका आप पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को और इस आर्टिकल में एक जगह पर बयां किया गया था 1977 को 1977 में उस वक्त भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी उस टाइम पे यहाँ पर बोला गया है कि कौन थे श्रीलंका के पूर्व प्रेजिडेंट हुज वॉज दी श्रीलंकन इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज आफ्टर हिज पोल विक्ट्री वो जीते थे नाइनटीन सेवन सेवन का आ, ए, आपका इलेक्शन और उनके जीतने के बाद पूरी की पूरी श्रीलंकन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया था यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था फॉरन ट्रेड के लिए ओपन कर दिया गया था लोग आ जा सकते थे दूसरे देशों से आपका बिजनेस कर सकते थे और ये थे आपके यहाँ पर आ, जे आर जय इनके द्वारा ठीक है अगली न्यूज आई है इन विच अ सिग्नेटरी टू एंटार्टिका ट्रीटी सेंटर इंट्रोड्यूस एंटार्टिका बिल ओके सो अभी हाल ही में आया था इंडिया कब सिग्नेटरी बना था एंटार्टिका ट्रीटी का ये आपसे पूछा गया है इंडिया बना था 1983 में ठीक है नेक्स्ट एक न्यूज आई थी अभी हाल ही में खैर कल मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में कल हम बात करेंगे कि क्या रहा मैचेस का क्या रहा वर्ल्ड कप का इस मैच के दौरान इस फाइनल मैच के दौरान यहां पर एक पहली बार ऐसा इंसिडेंस हुआ है दैट वीमेन वर्ल्ड कप फाइनल इन क्रिस्ट जो हुआ था विल बी ओवरसीन बाई फोर महिला फोर वीमेन मैच ऑफिशियल्स यानी कि दो एम्पायर होते हैं एक थर्ड एम्पायर होता है 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 ना रेफरी होता तो यहां पर चार महिला मैच ऑफिशियल्स फर्स्ट सच इंस्टैंड इन क्रिकेट हिस्ट्री हुज़ ज बिन नेम्ड मैच रेफरी इनमें मैच रेफरी कौन थी इन चारों ऑफिशियल्स पहली बार ऐसा हुआ कि चारों की चारों यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आ, आई हैं सो इंडिया जी एस लक्ष्मी द फर्स्ट वीमेन एवर इन दई सी सी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज विल बी द मैच रेफरी फॉर द दिमेन वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर ये बनी थी जी एस लक्ष्मी इनकी मैच रेफरी ये एक बहुत ही यूनिक सी खबर है यहाँ पर इंडिया जी एस लक्ष्मी द फर्स्ट वीमेन एवर इन दई सी सी इंटरनेशनल चैनल ये यहाँ पर आपकी बनी थी ठीक है यहाँ सैटरडे की तीन तारीख की एक आ, है इसलिए विल यूज़ किया गया है ठीक है विल चलो उम्मीद कर तो आज का सेशन पसंद आएगा इसी तरह जुड़े रहना इसी तरह बने रहना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इस चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेंगी और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ पर क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं एंड बाकी क्रॉस ये नोटबुक सीरीज एंड दी मोक्टस अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो ले लीजिएगा बेझिझक ले लीजिएगा अगर आप मेरे कंटेंट पे भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली आप ये कंटेंट पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोई इशू आता है तो आप एक मेल आईडी लिखिए स्टडी नीति गाइड एट जी कोई भी टेक्निकल इशू आता है इस पर मेल कर दीजिएगा कल जिन्होंने मेल किया कल छुट्टी थी इसलिए मेल के रिप्लाई एक्टिव नहीं होंगे पैकेज आज हो जाएंगे डॉट भर या मेल एक बार दोबारा कर दीजिएगा टेक केयर लव यू एल बाय मिलता हूँ साढ़े बजे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में हम करंट बैंकिंग वेनर्स उसमें करेंगे सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पसंद आए तो लाइक like ज़रूर कर देगा